हेलो दोस्तों, तो आज की इस नए वीडियो पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेडफोन की, जो कि आप मेरे हाथ में इस समय देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या है भाई, हेडफोन है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, कैसा हेडफोन होगा, साउंड क्वालिटी कैसी होगी, सारा कुछ हम आपको चेक कराने वाले हैं। आप ऊपर से इस बॉक्स को देख सकते हो यार, रेड कलर का बॉक्स है, आई बटन कुछ बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है ईयर वियर रॉक, मतलब कि इसको पहनने से कान में रॉकिंग बन जाएंगे, रॉक की तरह रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और इसके हम सेंसिटिविटी, साउंड क्वालिटी सारा कुछ चेक कराएंगे। चलिए दोस्तों इस बॉक्स को अनबॉक्स करके हम सबसे पहले हेडफोन निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले हम आपको इसके कुछ फीचर्स बता देते हैं जो कि इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स। देखिए यार गाइज, सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिकेशन हेडफोन का देख लेते हैं क्या है। तो स्पीकर ड्राइवर यूनिट आपको मिल जाती है 0.4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी इसकी कितनी मिल जाती है, 110 dB से लेकर 3 dB तक आपको यहाँ पे इक्वल टू मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, कितना आवाज इसकी कितनी आएगी, कितनी तेज आएगी, तो 20 Hz से 20 kHz तक आपको इसकी आवाज आपको मिल जाती है, मतलब कि इसका साउंड क्वालिटी आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद इंपेंडेंस 32 मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर, मतलब कि बाहर कितना तक, बाहर ज्यादा सुनाई नहीं देगा जैसे कि ईयरफोन में आपका होता है, वैसे ही आपको हेडफोन में मिल जाएगा कि ज्यादा लोग, मतलब कि बाहर के लोग ज्यादा नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा बहुत मिल जाता है 100 meter watt, तो 100 meter तक आपकी आवाज थोड़ी बहुत आएगी और उसके बाद से आप बिल्कुल भी, मतलब कि इसकी आवाज बाहर नहीं आने वाली। फिर उसके बाद आप देखते हैं इसकी माइक का जो भी दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे हेडफोन का था और ये माइक का है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की, यहाँ से कहाँ से आया है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेजोन से, यहाँ से मतलब कि दुकान से इसको मैंने नहीं लिया हूँ, यहाँ से ऑनलाइन इसको मैंने ऑर्डर किया था। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ईयर वियर रॉक। ईयर वियर रॉक मतलब कि अपने कान में पहन के रॉक स्टार रॉक की तरह आप रह सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे पिच परफेक्ट साउंड, यहाँ पे परफेक्ट साउंड आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद सॉफ्ट कंफर्टेबल ईयर कुशन, मतलब कि आपको ईयर कुशन बहुत ही सॉफ्ट मिल जाता है, आप जब अपने फोन, मतलब कि आप अपने कान में पहनेंगे, अपने सर पे पहनेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा इसके कारण। आपको देख सकते हैं ईयर कुशन बहुत ही कंफर्टेबल मिल जाता है और सॉफ्ट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है स्लीक जेट सेट लुक, यहाँ पे लुक बहुत इसका बढ़िया मिल जाता है, यहाँ पे स्लीक जेट सेट मतलब इसका लुक का ये नाम होता है, तो ये आपको लुक बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। फिर उसके बाद इजी वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तेज करना चाहते हैं, धीमी करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल पुश कंट्रोल बटन, यहाँ से क्या होगा अगर आपके पास, जैसे आप फोन से कनेक्ट किए हुए हैं अपने, मतलब कि हेडफोन को, तो अगर आपके फोन में कोई भी, मतलब कि कॉल आती है तो यहीं से आप उठा सकते हैं, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए हम इसके हेडफोन को अनबॉक्स करके और भी सारे फीचर्स के जो है आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको ऊपर से सारे फीचर्स बता दिए जो कि पीछे सारा कुछ लिखा हुआ, तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हेडफोन कैसा। चलिए हम इसकी टेपिंग वगैरह सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे टेपिंग वगैरह लगी हुई है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये टेपिंग निकल चुकी है। और चलिए हम इसको फाइनली अपना जो हेडफोन है वो निकालते हैं। गाइस देख सकते हैं यार, हेडफोन निकल रहा है। ये गाइस देख सकते हो आपका हेडफोन कुछ इस तरह से इसके अंदर रखा हुआ, तो इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। चलिए इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं, इस पॉलिथीन को निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखते हैं भैया कैसा हेडफोन आया हुआ है। और ये गाइज आप फाइनली हेडफोन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो गाइज हम देखते हैं यहाँ पे इसका वायर जो भी रखा हुआ है, चलिए इस वायर को भी निकाल लेते हैं। इसमें दो पॉलीथीन मिल जाती है, एक वायर के लिए और एक हेडफोन के लिए। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख देते हैं पॉलीथीन को, और इस पॉलीथीन को भी हम साइड में कर देते हैं। तो गाइज चलिए इसको साइड में कर दिया, आप देखते हैं फाइनली हेडफोन कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे लुक इसका बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, आपको देख सकते हैं यार लुक बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट कुशन की, जो कि मैंने आपको बताया था पहनने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। देख सकते हैं सॉफ्ट कुशन के द्वारा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल की, तो वॉल्यूम कंट्रोल की ऑप्शन भाई कहाँ पे है, ये गाइस देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप यहाँ से धीमा तेज अपने साउंड अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पुश का ऑप्शन था, अगर यहाँ पे आपके फोन में कोई भी कॉल आती है या फिर कुछ भी होता है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एकमात्र बटन दी गई है, ज्यादा कुछ यहाँ पे मतलब कि कंट्रोल्स के ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक बटन है, इसको आप पुश करते हैं तो आपका कॉल वगैरह उठ जाएगा। तो चलिए हम आगे इसको पहन के देखते हैं भाई कैसा लगता है। तो गाइज देख सकते हो यार बहुत ही ज्यादा यार कंफर्टेबल फील हो रहा है, गाइज देख सकते हो। और इसका जो वायर है अपने फोन में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अपने फोन में लगा के
एक सॉन्ग चला के तो देख लेता हूँ यार कैसा इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला। चलिए हम एक सॉन्ग जरूर लगा के देख लेते हैं भाई साउंड क्वालिटी इसका कैसा है, फिर उसके बाद मैं आपको भी बता देता हूँ कैसा इसका साउंड क्वालिटी मिल जाता है। चलिए देखते हैं भाई, एक गाना प्ले कर देते हैं, YouTube ओपन करते हैं और इसका एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं भैया साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला है। तो गाइज यार साउंड क्वालिटी में देख सकते हैं यार मैं अपना एक सॉन्ग प्ले किया हुआ और बहुत ही यार मजेदार, बहुत ही यार कंफर्टेबल, मतलब कि बहुत तेज करते हैं इतना, मतलब सुरीली आवाज जैसे जिसको कहते हैं वो आवाज आपको सुनने को मिली है। तो थोड़ी देर में सुन लेता हूँ गाइज। भाई बहुत ही ज्यादा इसमें सुरीली आवाज आपको मिल जाती है, बहुत ही मतलब की एक एक पिच आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है, एक एक मतलब की एक एक वर्ड आपको क्लियरली इसमें सुनाई देता है। तो गाइस आप यार इस हेडफोन को अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब की आसानी से सॉन्ग्स तो सुनना हो आपको, अगर पढ़ाई भी करना हो इससे आप कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है कि इससे आप जैसे आप लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर कुछ लाइव स्ट्रीम वगैरह लाइव आते हैं यूट्यूब पे, तो इसका यूज करके आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लोगों की आवाज आप सुन पाएंगे बहुत ही आसानी से। और इसमें आप माइक सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक सपोर्ट यार देखते हैं भाई है कि नहीं है। यार माइक सपोर्ट यहाँ पे तो नहीं मिलता, यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि माइक यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप इसमें आवाज सुन सकते हैं दूसरे की। अगर आप इस फोन को अपने लाइव स्ट्रीम वाले फोन में कनेक्ट कर देते हैं तो आप आराम से मतलब कि दूसरे की आवाज सुन पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको पास से देख सकते हो। और गाइस कुछ इस तरह से आपको हेडफोन मिल जाता है और यहाँ पहनने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, सॉफ्ट कुशन। और ये गाइस देख सकते हो ये सॉफ्ट कुशन जो है आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा इसको अगर आप पहनते हैं तो। चलिए गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये हेडफोन भी अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके तभी जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी ढेर सारे वीडियो टेक वीडियो से रिलेटेड मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।